ऐसा क्यों लगता है कि बोट का लकी नंबर है 255? सबसे पहले इन्होंने लॉन्च किए थे बोट रॉकर्स 255, फिर 255 प्रो, फिर 255 प्रो प्लस, और अब इन्होंने लॉन्च किए हैं बोट रॉकर्स 255 नियो नेक बैंड। इसका लॉन्च प्राइस है 999 रुपीज, और मैं साफ साफ अभी आपको बता रहा हूं कि थोड़े दिनों में इसकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी। काफी आपको बहुत सारे लेटेस्ट फीचर्स मिलने वाले हैं कम प्राइसिंग में, और आप लोग काफी कमेंट्स आए थे कि इसको फटाफट रिव्यू किया जाए। यार मेरे पास कल ये प्रोडक्ट आया है, एक दिन से मैं रात से इनको लगातार इनकी घिसाई कर रहा हूं, अच्छे से ग्रिल कर रहा हूं, ताकि आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बता पाऊं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी और गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा है, और 999 रुपीज कम प्राइसिंग के हिसाब से कितनी अच्छी क्वालिटी मेंटेन की गई है। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे आपको बोट रॉकर्स 255 नियो नेक बैंड का ऐसा डिसेंट सा आपको बड़ा सा बॉक्स मिल जाएगा, एंड फ्रंट में कुछ स्पेसिफिकेशंस और बैक साइड में भी काफी स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए गए हैं। आगे पूरी प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग के साथ चेक करेंगे वीडियो में। बॉक्स के अंदर कंटेंट देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक 1 ईयर की ब्रांड वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल, बोट का ब्राउशर, इनके कंपनी के शेयर्स यहाँ पे आपको सब देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मिलेगा टाइप सी का चार्जिंग केबल, और आपको एक छोटा सा स्टिकर एंड सम एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स, यू कैन यूज इट अकॉर्डिंगली। बढ़ेंगे मेन प्रोडक्ट की तरफ, दिस इज द नेक बैंड यू विल बी गेटिंग, और देखते ही आप साफ साफ बोल पाएंगे क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। जो प्रॉपर आपको सिलिकॉन मटेरियल यूज किया गया है नेक बैंड में, बिल्कुल मोटा सा आपको प्रॉमिसिंग नेक बैंड मिल जाएगा, फ्लेक्सिबल तरीके से यूज कर पाएंगे, एंड थोड़ा यूनिक डिजाइन भी दिया गया आप देख सकते हैं यहाँ पे। बोट की ब्रांडिंग मिल जाएगी, एंड प्लास्टिक क्वालिटी यहाँ पे मेंटेन की गई है अच्छी डिसेंट, एंड इस साइड पे कोई बटन नहीं दिया गया है। दूसरे साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 3 मल्टीफंक्शन बटन्स, प्ले का, प्लस माइनस का, एक्जैक्टली कैसे वर्क करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड साइड में आप देख सकते हैं आपको एक बैटरी इंडिकेटर का ऑप्शन भी मिल जाएगा, एंड इधर पे आपको मिलने वाला है एक टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट, यहाँ से अपने आप नेक बैंड को चार्ज कर पाएंगे। फटाफट बंद करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे पतली सी ऐसी आपको वायर्स मिल जाएंगी, बहुत ही पतली वायर्स दी गई हैं, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रॉपर बड्स, मोटे आपको प्रॉपर यहाँ पे मेटलिक फिनिश के बड्स मिल जाएंगे। लुक एंड फील काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, एंड यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फिन्स भी मिलने वाले हैं फॉर सिक्योर फिट, एंड इसमें आपको मिलने वाला है मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर, एंड बोट की ब्रांडिंग दोनों जगह लगी हुई मिल जाएगी, प्रॉपर आपको पावरफुल मैग्नेट्स मिल जाएंगे। एंड सिंपली अगर आप कनेक्शन स्टैब्लिश कर चुके हैं तो आप जैसे ही बड्स को अलग करेंगे तो लास्ट पेयर डिवाइस ऑटोमेटिकली फटाफट पेयर हो जाएगा, एंड जैसे ही वापस बड्स को लगा देंगे तो लास्ट पेयर डिवाइस ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसका मैग्नेटिक ऑन ऑफ फीचर अच्छे तरीके से वर्क करता है, एंड प्रॉपरली अगर आप प्लेस करेंगे नेक पे, तो काफी लाइट वेट नेक बैंड भी है, लुक एंड फील काफी प्रीमियम प्रोवाइड कर रहे हैं। कानों में सही ईयरकप्स लगाएंगे तो कानों को सही तरीके से पैक करेंगे, बाहर की आप बोल सकते हैं 80% तक बाहर की नॉइस कैंसिल भी हो रही है, अच्छा पैसिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर प्रोवाइड किया गया है। फिंस के साथ इसको आप डेफिनेटली यूज कर पाएंगे, हैवी वर्कआउट्स के टाइम भी गिरने के बिल्कुल चांसेस नहीं है, बिल्कुल अच्छा आपको डिसेंट लुक एंड फील मिल जाएगा। एंड बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस पार्ट की, इसमें आपको मिलने वाला है लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.2, IPX6 वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट फीचर, 12mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन, मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर, ENX टेक्नोलॉजी फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस, एंड डेडिकेटेड बीस्ट मोड फॉर बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस। एंड इसमें आपको अप्रॉक्सिमेटली 25 घंटे तक का प्ले टाइम मिल जाएगा अगर आप म्यूजिक को 50 या 60% वॉल्यूम पे सुनते हैं तो। फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है, 10 मिनट के चार्जिंग में आपको अप्रॉक्सिमेटली 10 आवर्स तक का प्ले टाइम मिल जाएगा विद दिस वायरलेस ईयरफोन्स। भले ही प्राइसिंग कम रखा गया है, इसका लॉन्च प्राइस कम रखा गया है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी से लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, आपको अच्छे लुक एंड फील के नेकबैंड मिल जाएंगे, लेटेस्ट आपको फीचर्स मिलने वाले हैं, लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन मिल जाएगा आपको, बीस्ट मोड मिल जाएगा, ENX टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर, डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन, 12mm के डायनेमिक ड्राइवर्स। सो भाई इतने कम प्राइसिंग में मुझे लगता नहीं है कि अभी फिलहाल कोई नेकबैंड है इतने कम प्राइसिंग में आपको इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। यार बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है बोट ने, देखा जाए तो कम प्राइसिंग में आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजिंग विद द बिल्ड क्वालिटी। बात करेंगे इसके बटन कंट्रोल्स की, आप एक ओवरव्यू ले लीजिए एक्जैक्टली इसके बटन कंट्रोल्स कैसे वर्क करते हैं। जो बीच में प्ले का बटन दिया गया, अगर आप उसको सिंगल प्रेस करेंगे तो म्यूजिक प्ले हो जाएगा, एंड फिर से उसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो म्यूजिक पॉज हो जाएगा। माइनस को अगर आप सिंगल प्रेस करते रहेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, एंड प्लस को आप सिंगल प्रेस करते रहेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, एंड प्लस को अगर आप 2 सेकंड्स के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट ट्रैक पर जाएगा, प्रीवियस ट्रैक पर जाने के लिए माइनस को अगर आप 2 सेकंड्स के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे तो प्रीवियस ट्रैक पर जाएगा, एंड अगर आप बीच वाले बटन को 2 सेकंड्स के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो वॉइस असिस्टेंट फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। सो इस तरीके से आप कमांड दे पाएंगे। एंड जो प्ले बटन दिया गया है उसको अगर आप डबल प्रेस करेंगे तो उसमें आपको बीस्ट मोड मिल जाएगा, डबल प्रेस करने से बीस्ट मोड में एंटर कर जाएगा, फिर डबल प्रेस करने से बीस्ट मोड से एग्जिट कर जाएगा, हम आगे गेमिंग टेस्ट करेंगे।
एंड उसी बटन को अगर आप 3 बार प्रेस करेंगे, ट्रिपल प्रेस करेंगे, तो लास्ट नंबर जो है रीडायल हो जाएगा। इस तरीके से आप रीडायल कर पाएंगे। एंड अगर आपको किसी का कॉल आ रहा है, आपको एक्सेप्ट करना है, तो बीच वाले बटन को सिंगल प्रेस करेंगे तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा। ऑनगोइंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए उसी बटन को अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। एंड किसी का कॉल आ रहा है, आपको डायरेक्टली रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है, तो बीच वाले बटन को अगर आप 2 बार प्रेस करेंगे तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके गेमिंग एक्सपीरियंस की। इसमें हालांकि आपको मिलने वाले डेडिकेटेड बीस्ट मोड, अब हम करेंगे बीस्ट मोड में ऑन करके बीजीएमआई का गेम टेस्ट, फिर हम डिसाइड करेंगे एक्जैक्टली इससे आपको लेटेंसी कितनी मिलने वाली है। इसका जो बीस मोड दिया गया है बिल्कुल सही तरीके से वर्क किया। मैंने काफ़ी देर तक गेमिंग करके देखी, बीजीएमआई खेला और भी गेम्स खेले, मुझे यार ज़्यादा लैग फील नहीं हो रहा था। बिल्कुल आपको लो लेटेंसी के साथ प्रॉपर आपको गेमिंग मिल जाएगी और जो इन ऑडियो एक्सपीरियंस है वो भी आपको बिल्कुल सराउंडिंग मिल जाएगा। आप पता कर पाएंगे एक्जैक्टली एनिमीज कहाँ से आ रही हैं, फुटस्टेप्स कहाँ से आ रहे हैं। कम प्राइसिंग में अगर आपको गेमिंग नेकबेंच चाहिए विद डेडिकेटेड बीस्ट मोड, इसको आप डेफिनेटली ऑप्शन में रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेन साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी की। इसमें आपको मिलने वाले हैं 12 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, फुल वॉल्यूम पे आपको अच्छी लाउडनेस भी मिल जाएगी और डेफिनेटली आप फुल वॉल्यूम पे सुन सकते हैं बिना किसी डिस्टॉर्शन के। वोकल से क्लैरिटी आपको सही मिल जाएगी, इंस्ट्रूमेंट का सेपरेशन भी आपको क्लियर सुनाई देगा, ट्रेवल्स भी आपको काफी हद तक बैलेंस मिल जाएंगे। जो म्यूजिक क्वालिटी है उसको लेकर मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं लगी, मैंने बहुत सही तरीके से इसको रात को अच्छे से बहुत लंबे टाइम तक यूज किया। म्यूजिक एक्सपीरियंस में आपको काफी हद तक एनहेंस मिल जाएगा डिटेलिंग के साथ। बात करेंगे बेस की, यार बेस इसमें आपको ना अच्छा मिलने वाला है, जो मेनली 255 प्रो और 255 प्रो प्लस में बिल्कुल सराउंडिंग और पावरफुल बूस्टेड बेस बोलते हैं ना, वो इसमें आपको थोड़ा बहुत मिसिंग लग सकता है। आपको अच्छे सराउंडिंग बेस इफेक्ट मिलेंगे, बहुत ज़्यादा पावरफुल बूस्टेड बेस नहीं मिलने वाला है। मुझे उम्मीद थी यार के बोर्ड के हिसाब से जो 255 प्रो प्लस में बेस था इसमें आपको मिल जाएगा, कानों से हल्के हल्के उचकने वाली बर्ड्स वाली फीलिंग आएगी, वो इसमें थोड़ी बहुत आपको मिसिंग लग सकती है। बेस इसमें आपको अच्छा सराउंडिंग पावरफुल मिलेगा, बहुत ज़्यादा और पावरफुल बूस्टेड जो बोलते हैं बोर्ड का सिग्नेचर बेस, आपको थोड़ा बहुत मिसिंग लग सकता है। बात करेंगे कॉलिंग, इसमें आपको मिलने वाला ENX टेक्नोलॉजी फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस। मैंने हमेशा की तरह फ्रेंड से बात की थी आउटडोर कंडीशन में, उसके आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, फिर आपको अंदाजा लग जाएगा एक्जेक्टली इस कॉलिंग एक्सपीरियंस आपको कैसे मिलने वाला है। हाय सिद्धांत, कैसे हो भाई? मैं बढ़िया भैया। सिद्धांत, अभी ना बोर्ड की तरफ से एक 255 नियो नेक बैंड लॉन्च हुए हैं, मैं उनको लगा के आपसे अभी अपने टेरिस से बातचीत कर रहा हूं। आपको मेरी आवाज कैसी आ रही है? आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। क्लियर है, अभी हवा की आवाज, नीचे बैकग्राउंड नॉइज। हाँ, थोड़ी बहुत हवा की नॉइज आ रही है, मतलब 80-90% आपकी क्लियर है, क्लियर मेरे को सुनाई दे रही है। अच्छा, बैकग्राउंड नॉइज हल्की फुल्की आपको पता चल रही है? हाँ, हल्की फुल्की थोड़ी बहुत। बाकी ओवरऑल कॉलिंग कैसी है इसकी? ओवरऑल कॉलिंग बहुत अच्छी है। ओके, ऑल राइट सिद्धांत, थैंक यू। जो उसका ENX टेक्नोलॉजी है सही तरीके से वर्क करता है, सामने वाला फोकस 80-90% मुझे सुन पा रहा था और बैकग्राउंड में काफी हवा चल रही थी ऊपर, बिल्कुल जो मैं टेरिस पे खड़ा हुआ था उस टाइम बहुत हवा चल रही थी, बहुत ज्यादा बोल सकते हैं। उसको हवा की आवाज भी थोड़ी बहुत पता चल रही थी, लेकिन मेरी आवाज से बिल्कुल फोकस था, जो कॉलिंग थी बिल्कुल सही तरीके से चल रही थी, मैं भी उसको प्रॉपरली सुन पा रहा था। सो अगर आप डेफिनेटली एक नेकबैंड कंसीडर करना चाहते हैं फॉर गुड कॉलिंग एक्सपीरियंस, इसको आप डेफिनेटली इंट्रो आउटडोर कंडीशनिंग कॉलिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे रेटिंग्स की, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी एंड गेमिंग एक्सपीरियंस को भी हम करेंगे रेटिंग। इसमें आपको 20 मोड मिलने वाला है इसलिए। सो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 9 out of 10, मैं बेस क्वालिटी दूंगा 8 out of 10, मैं कॉल क्वालिटी दूंगा 8.5 out of 10 और मैं गेमिंग एक्सपीरियंस को दूंगा 9 out of 10। सो दीस आर द रेटिंग्स अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस नेक बैंड, अप्रॉक्सिमेटली 999 rupees, 999 rupees को हम कंसिडर कर रहे हैं लॉन्च प्राइस, लेकिन पक्का मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी देर में इसकी प्राइसिंग बढ़ी जाएगी। सो भाई घूम फिर के अगर आप 999 rupees इन्वेस्ट करना चाहते हो, बोट ब्रांडिंग की तरफ जाना चाहते हो, लुक एंड फील से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अच्छी आपको डिटेलिंग के साथ क्लैरिटी के साथ आपको म्यूजिक एक्सपीरियंस चाहिए, पावरफुल आपको बेस चाहिए, बढ़िया आपको कॉलिंग चाहिए, बढ़िया आपको गेमिंग चाहिए, इसको आप डेफिनेटली आग बंद करके ऑप्शन में रख सकते हो, बिल्कुल जस्टिफाई करता है इसका प्राइस पॉइंट और इसका ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी। सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स दे दिए मैंने डिस्क्रिप्शन पार्ट में, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड कुछ भी दिक्कत हो, अभी भी कुछ पूछना हो आपको, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, रेटिंग्स, कॉलिंग टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च बोट रॉकर्स 255 नियो नेक बैंड। Hope you like this one, and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible, so we can make more good stuff for you all. So thank you for watching this one, and see you in the next video. Thank you.